उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लाख दावे करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अपराध महिलाओं और किशोरियों के साथ थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही मामला जनपद मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र के एक गांव में देखने को मिला, जहां एक 10 वर्षीय किशोरी को एक पड़ोस के रहने वाले उस समय किशोरी को अपने आगोश में ले लिया, सब्जी परोसने के लिए उसके कहने पर गई हुई थी। जहां आरोपी को सब्जी लेने के लिए जैसे ही वह किशोरी घर में घुसी, वैसे ही युवक ने उसे मोबाइल में अश्लील वीडियो दिखाई, इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म कर डाला। दुष्कर्म की पीड़ा से भागी किशोरी अपने घर पहुंची, जहां उसने पूरी घटना अपनी मां को बताई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बताया जा रहा है कि आरोपी छत्तीसगढ़ रायपुर अपने परिजनों के साथ रहता है, जो गाँव में 2 माह पूर्व अपना मकान बनाने के लिए आया हुआ था। घटना की रिपोर्ट थाना बेवर में दर्ज करा दी गई है। काना उसने रामू ने घर पे बिटिया पे सब्जी मंगाई, या कि सब्जी उसने अपनी भांजी को भेजी, भेजा के आओ उनके सिवानी से सब्जी लेके आओ, और सब्जी लेके गए लड़की, उसने जाके रख दो, उसने सब्जी रख दी। सब्जी रखने के बाद उसने जाके बिटिया तुम ही परस दो हमें, उसने प्लेट लेने गई सब्जी परसने के लिए, सब्जी परसने के लिए प्लेट लेके गई, उसने गेट में अंदर बंद कर लिया। बेवर थाना क्षेत्र के जो 10 वर्ष की छात्रा का दुष्कर्म किया, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला है, वो लड़की के पिताजी संतोष कुमार थाने पर आए, उन्होंने शिकायत की कि मेरी लड़की के साथ पड़ोस में रहने वाले रामू ने बलात्कार किया है जी। तो उसको सुसंगत धाराओं में अपराध का पंजीकरण हुआ है और लड़की को मेडिकल के लिए भिजवा दिया गया है, और रामू के पकड़ने के लिए टीम बना दी है, उसको जल्दी पकड़ लिया जाएगा और आगे की भी कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपी की कुछ गिरफ्तारी हुई है? अभी आरोपी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, वो भागा हुआ है, टीम लगा दी गई है गिरफ्तारी के लिए, जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। क्या सर, इस जो आरोपी है इसके खिलाफ कोई भी पहले से भी कोई मुकदमा या कुछ भी है? उसकी जांच कर रहे हैं, अगर कोई पहले मुकदमा होगा तो। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।